साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों में जैसे खाकी का खौफ ही नहीं रहा। ऐसा ही मामला गुरुग्राम के जमालपुर में शुक्रवार सुबह सामने आया है, जब बाइक सवार बदमाशों ने गांव के दो घरों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी और मौके से फरार हो गए। गनीमत यह रही कि बदमाशों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में किसी को कोई चोट नहीं आई। बदमाशों द्वारा गांव जमालपुर में गोलियों की बौछार किए जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बदमाश कौन थे और उन्होंने गोलियां क्यों चलाई, पुलिस गहनता से पूरे मामले की जांच में जुटी है। शुक्रवार सुबह गांव जमालपुर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। गांव में गोलियां चलने से लोग दहशत में आ गए। जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक बदमाश 50 से 60 राउंड गोलियां दाग कर मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जिन घरों पर फायरिंग की गई है उनकी किसी से कोई रंजिश भी नहीं है, फिर भी बदमाशों द्वारा गोलियां दागी गई। अंधाधुंध फायरिंग से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव जमालपुर में बदमाशों द्वारा गोलियां चलाए जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके वारदात से 45 से 50 गोलियों की खोल बरामद की है। आखिर गोलियां क्यों चलाई गई, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। एसीपी क्राइम की माने तो पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान की जा रही है, उन्हें जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। बहरहाल गांव जमालपुर में दहशत का माहौल है। ग्रामीण समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बदमाशों ने गाँव में सुबह सुबह गोलियों की बौछार क्यों की, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, और पुलिस भी वजह तलाशने में जुट गई है। वहीं बदमाशों द्वारा गांव में गोलियों की बौछार कर आसानी से फरार हो जाना भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आया था बहुत ज़्यादा लेट, जिस टाइम मैं आया उस टाइम वो यहाँ से भग चुके थे। मैं गोलियों की आवाज़ आ रही थी जोर जोर से, तो मैंने सोचा आंधी के कारण कूलर गिर गया। मेरे कूलर पहले भी गिर गया, 2 दिन पहले आंधी आई थी। तो मैं उठा तो मैंने देखा मेरे पीछे दरवाजे में से जाग रही थी बाहर। मैंने उनसे पूछा क्या हो गया, गोलियाँ चल रही है बाहर। उसके बाद मैं बाहर आया तो यहाँ जब मैं इस यहाँ तक पहुँचा उस टाइम तक वो यहाँ से भग चुके थे। उसके बाद फिर हमने 100 नंबर पे कॉल कराया जब पुलिस यहाँ पे आई है। कितनी गोलियाँ चली हैं यहाँ पे? सर गोलियाँ मेरे ख्याल में 60 से ऊपर चली है। अच्छा, पुलिस ने भी जितने खोल बरामद करे हैं वो भी 40-45 से शायद ऊपर होंगे। अच्छा, किसी के कोई चोट तो नहीं आई? किसी को चोट मारने की भरपूर कोशिश करी गई है, क्योंकि अभी जो पहले जो आप वहाँ पे तस्वीर ले रहे थे वहाँ से दरवाजे में से 2 गोलियाँ अंदर गई है। अब अपने घर में तो आदमी खुला घूमेगा ना, तो किसी को भी चोट लग सकती थी। यहाँ कूलर में से भी मार रखी है, दूसरा ये घर है ये खुद मेरे अपने चाचा का है, यहाँ से भी गोलियाँ अंदर तक गई है। अंधाधुंध फायरिंग करी है। कोई अधिकारी वगैरह कोई कितने कौन अधिकारी आया? सर पुलिस तो पूरा सहयोग कर रही है, हमें तो पता भी नहीं कितनी टाइप की पुलिस यहाँ आ चुकी है। ठीक, जब से पुलिस के पास फ़ोन कराया जब से दबा के पुलिस आ रही है। जो एक जमालपुर गांव है उसमें आज सुबह एक फायरिंग का मामला जो है ये नोटिस में आया है। फिलहाल तक किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने के पश्चात उसमें मामला दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। शिकायत मिलने उपरांत सारी जो है वो की जाएगी।